कोरोना के कारण पूरी दुनिया में हाहाकार है। हर एक जान को बचाने के लिए हर देश एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जो तस्वीर पाकिस्तान से आई है वो ना सिर्फ डरावनी है बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। पाकिस्तान के लाहौर में स्थित मेयो अस्पताल में कोरोना वायरस संक्रमित मरीज की मौत का मामला सामने आया। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मरीज की मौत डॉक्टरों की लापरवाही भरे रवैया की वजह से हुई है। मेयो अस्पताल में कोरोना वार्ड में भर्ती 73 साल के एक व्यक्ति की डॉक्टरों की लापरवाही के कारण दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई पाकिस्तानी मीडिया अखबारों, वेबसाइटों और पत्रकारों ने दावा किया है कि पीड़ित व्यक्ति रात भर दर्द से चिल्लाता रहा, मगर किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। इस दौरान का जो एक वीडियो सामने आया है वो देखकर किसी के भी शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगी। तस्वीरों में दिख रहा है कि मरीज के हाथ बांध दिए गए हैं। वहीं ये भी कहा गया है कि कोरोना वार्ड में भर्ती अन्य मरीज शोर मचाते रहे लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। अस्पताल के कोरोना वार्ड में 73 साल के इस व्यक्ति की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर से लेकर नायला इनायत तक ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट करके इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कोरोना वार्ड में भर्ती एक पत्रकार का वीडियो शेयर किया है। इसमें मरने वाले शख्स के बारे में बताया गया है। पत्रकार का कहना है कि वो सभी मरीज रात में एक पल के लिए भी नहीं सो सके क्योंकि बाबा जी रात भर दर्द से चिल्लाते रहे और उन्हें वेंटिलेटर देने के बजाय रस्सियों से बांध दिया गया। ऐसे में खुद सोचिए, क्या वाकई पाकिस्तान कोरोना से लड़ने के लिए गंभीर है? फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है और पाकिस्तानी कोर्ट ने जिस तरीके से उसे फटकार लगाई है, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने कोरोना में पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।